मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन आजाद हिंद फौज के सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह सफलता वाहन चेकिंग के दौरान मिली और इसके बारे में सोमवार को एसएसपी जयंतकांत ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। दरअसल बीते दिन अहियापुर थाना अंतर्गत मेडिकल ओवरब्रिज के नीचे पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया था। इसी क्रम में सीतामढ़ी की ओर से एक अपाचे मोटरसाइकिल 3 सवार व्यक्ति आ रहे थे, जिसे चेकिंग के दौरान रोका गया तो उन्होंने भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस बल ने पकड़ लिया। वही इनके पास से 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 5 जिंदा गोली, अलग अलग कंपनी के 3 मोबाइल, आधा किलो गांजा और 1 अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुई है। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि यह अपराधी अहियापुर और मीनापुर क्षेत्र में रंगदारी और लूट की योजना बना रहे थे और इस अपराधी कांड में संलिप्तता आई है और पूछताछ की जा रही है। आगे प्रेस वार्ता कर उन्होंने क्या जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ अपराधी अहियापुर थाना क्षेत्र में एक साथ फिर इकट्ठा होकर रंगदारी एवं लूट की योजना बना रहे हैं। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक, DSP टाउन और विशेष दल ने मौके वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से देसी पिस्टल, 1 कट्टा, मोटरसाइकिल और अन्य अवैध सामान बरामद किया गया। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अब इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अन्य कई मामलों के बारे में भी बताया, जिसमें इन लोगों की मीनापुर थाना क्षेत्र और अहियापुर के सटे हुए थाना क्षेत्रों में रंगदारी मांगने की एवं लूटने की योजना थी, जिसको पुलिस के विशेष दल ने विफल किया। सर, आजाद हिंद फौज से क्या संपर्क है? ये इन लोगों ने एक इस प्रकार का अपना एक गैंग बना रखा था और इसमें ये लोग पूर्व में भी जेल गए थे, जिसमें से 5 लोग पहले जेल गए थे और उसके बाद में अभी भी जो है इसमें से छूटे हुए लोग जो आए हैं, उन लोगों की यही योजना थी कि अहियापुर थाना क्षेत्र और उसके आसपास के थाना क्षेत्रों में जो लोग हैं वहाँ पर जो रंगदारी मांगना और लूटने की योजना थी, जिसको पुलिस ने विफल किया। जांच की जा रही है, इन लोगों की संलिप्तता आई है और इसमें जो है आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इसमें एक व्यक्ति को भी कल अरेस्ट किया गया था, जो कि सीतामढ़ी द्वारा अरेस्ट किया गया था। उसी मामले में जब इन लोगों से आगे भी पूछताछ की गई है तो इन लोगों की संलिप्तता अपनी बताइए, इस मामले में रिमांड पर ले करके आगे की पूछताछ की जाएगी। और